सुन रहे हैं आप फीवर 104 एफएम पर रियल एस्टेट का ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है प्राइम लोकेशन शो, मेरे साथ यानी अभिषेक कंबोज के साथ। प्राइम लोकेशन, प्राइम लोकेशन। तो हम बात कर रहे थे ताजमहल की खूबसूरती की। ताजमहल की खूबसूरती के बारे में तो पूरी दुनिया बात करती है और मुमताज के प्रति शाहजहां के प्यार के बारे में भी पूरी दुनिया में चर्चे हैं। पर क्या कभी हमने सोचा या क्या कभी हमने जाना कि ताजमहल बनाने का इंस्पिरेशन आया कहां से? वो इंस्पिरेशन आया हबीना बानू बेगम से। अब आप सोच रहे होंगे हबीना बानू बेगम है कौन? हबीना बानू बेगम हुमायूं की पत्नी थी जिसने अपने पति के लिए अपना प्यार दिखाते हुए उसकी याद में एक मकबरा बनाया जिसका नाम है हुमायूं टूम्ब, जो कि हमारी ही दिल्ली में है, यानी दिल्ली का ताजमहल। उसी से ही इंस्पायर होकर शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया। और अगर आप कभी ताजमहल और हुमायूं टूम्ब को कंपेयर करेंगे तो आपको ये फर्क दिखेगा कि ताजमहल थोड़ा ग्रैंड है, थोड़ा नहीं काफी ग्रैंड है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक एम्परर ने बनवाया था, उसने उस पर बहुत पैसा खर्च किया था इंक्लूडिंग द एक्सपेंसिव मार्बल्स। ऑन द अदर साइड हुमायूं टूम्ब जो बना है वो बना है रेड सैंडस्टोन से। और एक और फर्क है दोनों के बीच में, ताजमहल के अराउंड आपको चार मिनरेट दिखेंगी जो कि हुमायूं टूम्ब के अराउंड नहीं है। एक वक्त था जब ताजमहल की तरह हुमायूं टूम्ब के पीछे भी यमुना बहती थी, पर अब वक्त के साथ साथ यमुना ने भी अपना रुख मोड़ लिया दूसरी तरफ। तो अगर आप हुमायूं टूम्ब से गुजर रहे हैं या कभी उसके आसपास से जाएं तो देख के ये चीज नोटिस जरूर करना और मुझे बताना कि ऐसा कुछ लगा क्या आपको। सुनते रहिए फीवर 104 एफएम। मेरा नाम है अभिषेक कंबोज और शो का नाम है प्राइम लोकेशन।